पुलिस प्रशासन की पहल पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने जिला पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के साथ भिलाई के क्षेत्र का सर्वे किया और जाना कि यातायात सुचारू करने और अपराधों को रोकने क्षेत्र में किन स्थानों पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएं। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने छत्तीसगढ़ शासन से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने और शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शहर भर में जंक्शन पॉइंट और चौक चौराहों को हाईटेक कैमरों से लैस करने चर्चा की थी, जिसके फलस्वरूप गुरुवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने सुपेला थाना क्षेत्र के स्थलों का निरीक्षण कर सर्वे किया, जिसमें सुपेला टोल प्लाजा, नेहरू नगर चौक, रानी अवंतीबाई चौक, गदा चौक सहित अन्य अंदरूनी क्षेत्र जहां आवागमन ज्यादा होता है ऐसी जगहों का निरीक्षण भी किया। सर्वे की रिपोर्ट शासन प्रशासन को भेजी जाएगी, इसके बाद शहर भर में हाईटेक कैमरा लगना प्रारंभ हो जाएगा। इस संबंध में लगातार संबंधित विभागों से पत्राचार हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें जिसके तहत में कुछ पीडब्ल्यूडी और जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा इसमें पहल करते हुए कैमरे लगाने की बात कही गई है, जिसमें सर्वे चल रहा है। इंपॉर्टेंट जो चौक हैं सभी थाना क्षेत्रों में जो चौक पड़ते हैं इंपॉर्टेंट चौक, जैसे सुपेला थाने में भी नेहरू नगर चौक, गदा चौक, सुपेला चौक, घड़ी चौक, ये सब इंपॉर्टेंट चौक हैं, जंक्शन जहाँ से गाड़ियों का आना जाना, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है। इन जगह को सर्वे करके अच्छे कैमरे लगाने की कवायद की जा रही है और बहुत जल्द उम्मीद है कि अच्छे कैमरे वहाँ लग जाएंगे। पुराने कैमरे भी चालू हैं पुलिस विभाग के पास में, जो ITMS कैमरे का जो कंट्रोल है वो भी चालू है, उसमें लगातार जो मेंटेनेंस वगैरह रहता है वो भी कर रहे हैं। कुछ कैमरे भी जो खराब होते हैं उसको भी मेंटेन करके ठीक किया जाता है। हाईटेक कैमरे लग जाने के बाद यकीनन अपराधियों के मन में जहां अपराध करने को लेकर डर बैठेगा, वहीं सड़क पर आवागमन करने वाले वाहन चालक भी यातायात नियमों का पालन करते नजर आएंगे। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।